नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे बीमारी पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। डॉक्टर धीरज सर हमारे साथ हैं, मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक। हम बात करेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, उसके बढ़ने के लक्षण क्या दिखाई देते हैं शरीर में, और इसका होम्योपैथी में कारगर इलाज है तो किस तरह से है, क्योंकि कहा जाता है कि यूरिक एसिड होम्योपैथी में ही इलाज हो सकता है। एलोपैथी में भी है, लेकिन होम्योपैथी थोड़ा ज़्यादा कारगर होती है। तो इसमें हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे, और ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है इस वीडियो को सुनना और देखना कि होम्योपैथी कितना कारगर है यूरिक एसिड में। सर, यूरिक एसिड के बारे में बताइए कि यूरिक एसिड है क्या, है क्या, लक्षण तो क्या है, आप देखिए है, हाँ है क्या, ये कंपाउंड है जिसमें से कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनका ये कंपाउंड है। और यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर आ जाना चाहिए, जो कि नहीं आकर के यह जो है फंस जाता है, और उसके चलते जॉइंट्स में, चूँकि प्यूरिन के मात्रा की अधिकता से यह ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम आपको बताएं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन सब का कंपाउंड है, ऑक्सीजन इतने का कंपाउंड है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है खास करके इसका, उसके वजह से जो ह्यूमन बॉडी है, मैमल्स जिसे हम लोग हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जो इसका रोल है वो एक उचित मात्रा तक ही ठीक है, उसके अलावा ये टॉक्सिन बन जाता है। क्योंकि जब वो फंस जाता है किडनी में जा करके, तो किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है, फिल्ट्रेशन नहीं होता है तो किडनी डिले बीतेगा, डैमेज कर देगा। और उसके अलावा जब जॉइंट्स में जा करके फंस जाएगा, तो आप जनरली देखिएगा गठिया के पेशेंट को रूमेटाइड अर्थराइटिस या एनी काइंड ऑफ अर्थराइटिस या ऑस्टियोअर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, आप देखिएगा कि जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आदमी बहुत परेशान होता है। उसका लक्षण है कि शरीर का जो हमारा जो बॉडी का जो आखिरी लिमिट है, सरफेस है, ऊपर देखिएगा तो सर के ऊपरी का भाग है, और नीचे देखिएगा तो टो बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में अंगूठा, तो अंगूठा में अचानक एक सीवियर पेन होगा और अचानक पेन गायब हो जाएगा। क्षणिक पेन किसी को होगा, गायब हो जाएगा शुरू शुरू में, लक्षण में वो नहीं समझेगा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ तक वो ट्रैवल कर जा रहा है। धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो जॉइंट्स में फंसता है। बहुत आदमी देहाती भाषा में बोलचाल में कहते हैं कि मेरा हाथ नहीं चल रहा है, एकदम मक्खन के जैसा, हाथ में मुलायमियत नहीं है, मेरा हाथ कड़ा हो गया, स्टिफनेस आ जाता है, कड़ापन आ जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड जॉइंट्स में जा करके फंस जाता है और उसको डैमेज करता है। तो उसमें प्रोटीन इंटेक हम लोग, जो कि प्यूरिन तत्व है, उसको हम लोग प्रोटीन इंटेक हम कम करवाते हैं, और अंग्रेजी में जनरली फेबुटाजिन चलता है, फेबुराज 40 चले या जो भी हो, तो वो उसमें चलता है। लेकिन हमारे होम्योपैथी में अभी तक जो हम अपने प्रैक्टिस में देखे हैं 19 साल के, यूरिक एसिड लोग ठीक होकर के मैक्सिमम गए हैं परहेज करने पर। जब दवा देते हैं तो ठीक होते हैं, क्योंकि लक्षण के हिसाब से यूरिक एसिड की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो मेरे पास तो यूरिक एसिड जो आया है ईश्वर की कृपा से ठीक होकर ही गया है। नहीं, एक क्वेश्चन सॉरी इसमें है कि यूरिक एसिड में परहेज क्या होना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक को कम कर देंगे, क्योंकि प्यूरिन तत्व जो है उसी से ना प्रोटीन है, एमिनो एसिड से ही ना प्रोटीन बनता है। प्रोटीन इंटेक कम कर देंगे, यानी कि दाल वगैरह मतलब कि नहीं खाएंगे, थोड़ा कम खाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको कुछ दिन बंद करवा देते, नहीं तो दाल का पानी ऊपर से पिए। प्रोटीन इंटेक कम करने में, अब ऐसे तो शीशा के सामने खड़ा हो जाएगा तो जो शरीर दिख रहा है सब में प्रोटीन है चारों तरफ, लेकिन फिर भी दाल हो गया, मटन हो गया, और ऊपर से तेल मसाला हो गया, ऐसी चीज़ें जिससे कि प्रोटीन की अधिकता बढ़े तो यूरिक एसिड में कष्ट बढ़ेगा। तो वो सब चीज़ सादा भोजन कीजिए, लौकी, परवर, जो आपका मतलब कि मौसमी जो सब्जियां हैं उसको खाइए। आजकल तो सब्जी में भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मिला रहता है, लेकिन फिर भी हल्का खाइए, तेल मसाला, मांस मदिरा से दूर रहेगा यूरिक एसिड का। आदमी अगर शराब पिएगा, मांस मुर्गा बहुत खाएगा, प्रोसेस्ड फूड खाएगा तो प्रॉब्लम होगा उसको। तो यूरिक एसिड में सादा भोजन ही उत्तम है, और प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा कम कर देते हैं। फिर जब उसका लेवल कमता है, जनरली आप देखिएगा अंग्रेजी डॉक्टर के पुर्जा पर कि बहुत जगह 7 तक नॉर्मल पर लिखा रहता है, लेकिन हमको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो 6 से ऊपर जाते जाते उसको तकलीफ ना शुरू हुआ हो। इसीलिए मेरे हिसाब से 6 अगर पहुँच गया तो आदमी को अलर्ट हो जाना चाहिए, 7 तक का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 जाएगा तो 9-10 भी जा सकता है, तो उसके बाद जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगता है। तो उसको जितना जल्दी आदमी ठीक कर ले, 6 से ऊपर अगर यूरिक एसिड हो गया तो इलाज करा के उसको कम कर देना चाहिए, 5.5 से 6 के बीच तक ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया
मान लीजिए जैसे आपने बोला कि 7, 8, 9, 10 नहीं जाना चाहिए, नहीं मतलब बढ़ जाता है, उसका ठीक होता है, क्या होता है शरीर पे इम्पैक्ट? तो आपको अभी बताया ना कि इम्पैक्ट होगा आपका किडनी ले बैठेगा। यूरिक एसिड यूरिन से बाहर निकल जाना चाहिए, अगर उसकी मात्रा अधिक होगी तो किडनी का फंक्शन भी तो वर्कलोड भी तो बढ़ेगा। आपने सुना है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई पानी पीने लगे तो भी तो किडनी का वर्कलोड बढ़ जाएगा। आपने सुना है कि दूध अमृत है, लेकिन इतना ना दूध किसी को पिला दीजिए कि उसको डिसेंट्री डायरिया हो जाए तो कैल्सिफिकेशन हो जाए, तो वही अमृत नहीं ना रह जाएगा। तो हर चीज़ का एक उचित मात्रा है। अधिक यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो जॉइंट्स में पेन होगा, जॉइंट्स कड़कड़ाएगा, जॉइंट्स आपका मूव नहीं करेगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो इलास्टिसिटी है हाथ में आपके ख़त्म हो जाएगा। आप कड़कड़ करेगा और उंगली नहीं आपका घूमेगा, हाथ पैर में ठेवना में लगा तो ठेवना लेके बैठ जाएगा आपका, मतलब घुटना, देहात के भाषा में ठेवना बोलते हैं हम लोग, जिसको नी है आपका, सर्वाइवल फ्लूड बढ़ जाएगा। बहुत तरह का प्रॉब्लम होगा यूरिक एसिड के बढ़ने से, एक प्रॉब्लम नहीं होता। होम्योपैथी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूरिक एसिड का होम्योपैथी में जड़ से इलाज है, पक्का इलाज है। एक चीज थोड़ा सा बता, क्लियर कर दीजिएगा दर्शकों के लिए कि ये इलाज कितने दिन तक आप लोग यूरिक एसिड में करते हैं? यह भी मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है ना। अब कोई 10 साल पुराना रोगी है तो चाहेगा कि हम 4 महीना में ठीक हो, तो हो सकता है ना हो, और कोई हो भी जाता है। इसीलिए डेट टाइम बताने का काम चिकित्सक नहीं कर सकता है, क्योंकि चिकित्सक को खुद नहीं मालूम है। चिकित्सक का डॉक्टर का सर्टिफिकेट रोगी देता है कि हम इनका दवाई खाए तो फायदा हुआ कि नहीं। हमसे ये पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कोई ठीक हुआ कि नहीं, लेकिन ये पूछिएगा कि कितना महीना में ठीक हो जाएगा रोगी, तो अगर कोई डॉक्टर बोलता है तो कैसे बोल सकता है, क्योंकि हर आदमी का एक समान तो स्थिति है नहीं। अब कोई 90 साल की महिला आई है, यूरिक एसिड उसका बहुत बढ़ा हुआ है, अगर कोई 25 साल का लड़का आया है तो 25 साल का लड़का जल्दी ठीक होगा। अच्छा, हम आते हैं डायबिटिक पे, तो डायबिटिक पेशेंट्स का अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या आप करते हैं? डायबिटीज का दवाई चलता है और यूरिक एसिड दोनों का दवाई चलता है। कई ऐसे रोगी हैं जो कि गठिया के रोगी है, यूरिक एसिड के रोगी है, वो नहीं टहल सकते हैं, नहीं टहलने के चक्कर में फिर उसका डायबिटीज भागेगा ही, तो एक तरह से रिलेटेड हो जाते हैं। नहीं रिलेशन होने पर भी रिश्ता हो जाता है, क्योंकि अगर शरीर का उपापचय जो है मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो शुगर तो आजकल हो ही रहा है, और फिर यूरिक एसिड से अगर ग्रस्त है, ठेवना भी अगर उसका फंसा हुआ है तो बेचारा टहलेगा कैसे? तो उस स्थिति में आदमी जैसा पर मरीज रहा वैसा इलाज होता है, लेकिन यूरिक एसिड का होम्योपैथी में इलाज है। बहुत लोग जो अंग्रेजी खाते हैं वो भी मेरे पास यूरिक एसिड का खाने आते हैं दवाई। आपने सुना कि यूरिक एसिड का होम्योपैथी में कारगर इलाज है, डायबिटिक पेशेंट्स को अगर यूरिक एसिड होती है तो वो भी उसका भी इलाज है, दोनों पैरेलल दवा चलता है और वो ठीक होते हैं। तो इस तरह का अगर यूरिक एसिड से आप ग्रसित हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर धीरज सिन्हा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं, और आपने अभी सुना कि होम्योपैथिक में इसका कारगर इलाज है, तो आप अच्छे से इलाज करा सकते हैं। इनका जो एड्रेस है, जो नाम है, वो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही कहना है कि यूरिक एसिड अगर आपका जो लक्षण बताया गया, अगर कुछ लक्षण पता चलता है तो समझिए कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आप तुरंत होम्योपैथी के कारगर में, होम्योपैथी के इलाज में जाएं जिसका कारगर इलाज है, और बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगी। चलिए फिर हम अगले सेगमेंट्स में, अगले थीम पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से, तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।